नमस्कार, मैं प्रिया। आज 6 जून, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या हुई 4500 के पार। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 147 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 4558 हो गई है। पाए गए मामलों के में प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें अररिया में 5, औरंगाबाद में 6, बांका में 1, भागलपुर में 10, भोजपुर में 6, बक्सर में 1, दरभंगा में 8, गया में 10, गोपालगंज में 3, जहानाबाद में 3, कटिहार में 11, खगड़िया में 4, किशनगंज में 7, लखीसराय में 4, में 8, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 6, नवादा में 8 और पूर्वी चंपारण में 3, पूर्णिया में 2, रोहतास में 13, समस्तीपुर में 11, शेखपुरा में 1, शिवहर में 7, सिवान में 6 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 2233 पर। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार अब तक बिहार में कुल मिलाकर 91,903 सैंपल की जांच की जा चुकी है। वहीं इसमें से 4500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी के अनुसार कोविड 19 से 2233 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर वापस भी लौट चुके हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने यह भी बताया है कि बीते दिन तक बिहार में कोविड 19 की वजह से 29 लोगों की जान चली गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर वेब सेमिनार का हुआ आयोजन। बीते दिन विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वेब सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व सचिव सीके मिश्रा, नई दिल्ली संस्थान के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजय माथुर और स्पीकर भी शामिल हुए थे, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर को ध्यान में रखते हुए कोविड 19 मानवता को प्राकृतिक का संदेश विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कोविड 19 के बीच प्रकृति की रक्षा कैसे करें इसका संदेश जारी किया गया है। श्याम रजक ने बिहार में मुख्यमंत्री कामगार रोजगार सृजन योजना शुरू होने की कही बात। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बिहार वापस लौटे सभी प्रवासियों को ध्यान में रखते हुए बीते दिन कई सारे अहम दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत उन्होंने मजदूरों के स्किल की मैपिंग की प्रक्रिया किए जाने के बाद मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार की तरफ से नई योजना शुरू होने का संकेत दिया था। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि उद्योग विभाग की तरफ से राज्य के कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी से रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत कुशल श्रमिकों को एक स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित किया जाएगा। चुनाव से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने की जताई गई संभावना। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच आने वाले 3-4 महीनों में चुनाव का आयोजन करवाना है, जिससे पहले बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाली किए जाने की संभावना जताई गई है। खबरों की माने तो शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियरेंस करके नियुक्ति का प्रस्ताव भेज सकता है। इतना ही नहीं, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए सभी मुख्य विषयों से संबंधित एलाइड विषय की डिग्री धारक को भी आवेदन का मौका देने का फैसला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब जल्द ही 4000 से ज्यादा पर बहाली की प्रक्रिया को करवाया जा सकता है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंची खुद को सीएम कैंडिडेट बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी। बंद के दौरान शांत बैठी खुद को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि बीते दिन अचानक से पुष्पम प्रिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर पहुंच गई, जिसका वीडियो उन्होंने खुद जारी किया है। इस वीडियो में पुष्पम प्रिया ने सीएम नीतीश के खिलाफ कई सारी बातें भी कही हैं। आपको बता दें, बीते दिन पोस्टर और होर्डिंग जारी करके पॉपुलर्स पार्टी के नाम से पुष्पम प्रिया ने अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताया था, जिसके बाद वह अचानक से कोविड 19 के माहौल में गायब हो गई थी। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर भोला पासवान शास्त्री के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। भोला पासवान वही व्यक्ति है जो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाल चुके हैं, मगर कोविड 19 के कारण बंद में उनका परिवार खाने खाने को मोहताज हो गया है, जिसके तहत चिराग पासवान ने कहा कि शोषित और दलितों व वंचितों के नेता भोला पासवान शास्त्री ने आजीवन बिहार एवं बिहारवासियों की सेवा की है और अपना पूरा जीवन ईमानदारी के साथ व्यतीत किया है, जिसका परिणाम यही है कि आज उनका पूरा परिवार आर्थिक समस्या का सामना कर रहा है। 6 साल पहले गायब हुई लालू प्रसाद यादव की कार मिली वापस। 6 साल पहले लालू प्रसाद यादव की गायब हुई कार एक बार फिर से पुलिस को मिल गई है, जिसके तहत पुलिस ने इस टोयोटा फॉर्च्यूनर कार को अरुणाचल प्रदेश से ढूंढ निकाला है। पुलिस अधिकारियों के माने तो लालू यादव की यह कार साल 2014 में गुरुग्राम से गायब हो गई थी, जिसके बाद से लगातार इसको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि कार के मिलने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत में इस कार को कई लोगों ने अब तक खरीदा और बेचा है। खबरों की माने तो बीते दिन अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने 26 वाहनों को पकड़ा था, जिसमें लालू प्रसाद यादव की गाड़ी भी उन्हें इत्तेफाक से मिल गई।
बिहार में इन पदों पर नौकरियों के लिए दिया गया एक और मौका। बिहार लोक सेवा आयोग ने फिर से खनन विकास पदाधिकारी के पद पर आवेदनों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को खोल दिया है। इससे पहले 18 मई को रजिस्ट्रेशन बंद करवा दिया गया था, मगर अब आवेदन 11 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया है। आवेदन भरने के बाद भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालकर जरूरी दस्तावेजों के साथ बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय में भेजना होगा। खबरों की माने तो इस पद के लिए कुल मिलाकर 20 रिक्तियां निकाली गई हैं। जो भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास कम से कम द्वितीय श्रेणी में MSc जूलॉजी, एम्प्लॉय जूलॉजी या फिर किसी विषय में MTech की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इस साल के विधानसभा चुनाव में डिजिटल रैलियों का हिसाब भी देना हुआ अनिवार्य। बिहार में अनलॉक 1 के शुरू होते विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं बिहार निर्वाचन आयोग ने भी अपनी कवायद तेज कर दी है, जिसके तहत चुनाव की प्रक्रिया और प्रचार के तरीके में बदलाव होने का साफ संकेत दिया गया है। जिसकी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने बताया कि आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पहले चरण में सभी जिलों के DM और SP के साथ बैठक हो चुकी है। वहीं अब आयोग सर्वदलीय बैठक बुलाने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कहा है कि इस साल विधानसभा चुनाव में डिजिटल रैलियों का हिसाब भी सभी पार्टियों को देना होगा। COVID-19 के माहौल में पहली बार बाहर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी लोगों को घरों में रहने की अपील की गई थी, जिसके बाद राजनेता भी ज्यादा से ज्यादा नियमों का पालन करते हुए घर से ही कामकाज कर रहे थे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई दिनों से अपने आवास से ही काम कर रहे थे। हालांकि बीते दिन वह पहली बार बाहर निकले, जहां पर बाहर निकलते ही उन्होंने पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही पर्यावरण विभाग को एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का आदेश भी जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस साल 17% हरित क्षेत्र को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम किया जाएगा। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने YouTube चैनल के बाद बनाया अपना वेबसाइट। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने YouTube चैनल बनाया था, उसके बाद अब उन्होंने अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जहां पर इनके लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध करवा दी गई है। DGP का वेबसाइट IPSGupteshwarPandey.com के नाम से बनाया गया है। इस पर उनके बारे में जानकारी दी गई है कि वह किस बैच के IPS अधिकारी हैं। ज्वाइन यूथ ब्रिगेड एक सेक्शन बना हुआ है, जिसमें नाम पता मोबाइल नंबर भरकर युवा उनके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ने के लिए कुछ शर्तें भी नीचे निर्धारित की गई हैं। COVID-19 के बहाने प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के खिलाफ की बयानबाजी। कभी जदयू के करीबी माने जाने वाले प्रशांत किशोर आज जदयू के खिलाफ ही बयानबाजी करते जा रहे हैं। COVID-19 का मामला तो राजनीति की रफ्तार में सबसे आगे चल रहा है। इसी क्रम में बीते दिन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सरकार की व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल किया है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि कोई भी गलती ना करे, यह COVID-19 का समय एक सत्य है और एक ब्लफ एंड ब्लस्टर वाली सभी सरकारों का सच एक एक करके उजागर भी हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि इसमें सबसे बुरा प्रभाव आम जनता पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पिरामिड में सबसे नीचे है उस पर अधिक जोर पड़ने वाला है। बिहार में 20 जून तक पूरा किया जाएगा 10,000 सैंपल की जांच करने का लक्ष्य। उक्त ऐलान बिहार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राज्य में लगातार COVID-19 संभावित मरीजों की जांच की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान स्थिति में लगभग 5,000 जांच करने की क्षमता विकसित कर ली गई है। वहीं RT-PCR मशीन से भी 4,000 मरीजों की जांच हो रही है, जिसके बाद 20 जून तक अन्य स्रोतों को प्राप्त होने के बाद अतिरिक्त और भी ट्रूनेट मशीन के माध्यम से 10,000 जांच प्रतिदिन करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आइसोलेशन वार्ड की संख्या बढ़ाकर 40,000 करने के संदर्भ में भी योजना बना ली है। प्रवासी बिहारियों के वोटर आईडी कार्ड बनाने का प्रस्ताव सभी दलों ने माना। COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण बिहार वापस लौटे प्रवासी बिहारियों के नाम को अब वोटर आईडी में जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, जिसका स्वागत सत्तारूढ़ सरकार से लेकर के विपक्षी दलों ने भी किया है। जिसके तहत कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि वह यह स्वागत योग्य फैसला है, वह भी बिहार के वासी है, वोट करना उनका अधिकार है, सरकार चुनने में उनका योगदान भी जरूर होना चाहिए, वैसे भी यही के रहने वाले हैं, उनका ही अधिकार है। वहीं जदयू ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। जितना बिहार यहां रह रहे लोगों का है, उतना ही यहां से बाहर रह रहे और वापस लौटे प्रवासियों का भी है। पुलिस के ड्यूटी को लेकर मुख्यालय ने जारी कर दिया गाइडलाइन। COVID-19 की चपेट में पुलिसकर्मी भी आते दिखाई दे रहे हैं। BMP के जवान इसका सीधा साधा उदाहरण है, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस कारखाने में भी कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी को मानक संचालन प्रक्रिया तय करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत बीते दिन कमेटी ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी पुलिसकर्मियों को किसी को पकड़ने, पूछताछ करने, साक्ष्य इकट्ठा करने और अन्य रोजमर्रा का काम करने के दौरान पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया का भी अपनाना होगा, ताकि COVID-19 के इस हॉल में पुलिसकर्मी लोगों की सेवा भी करते रहे और खुद भी सुरक्षित रहे।
जदयू ने विधानसभा चुनाव की शुरू की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही समय बचा हुआ है और ऐसे में पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ली है। इसी क्रम में बीते दिन सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने पटना पहुंचने के बाद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की है, जिसके बाद जदयू की तरफ से चुनावी तैयारी शुरू कर दी गई है। तकरीबन आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह ने मिलने के लिए विधायकों की लंबी लाइन लग गई है। खबरों की माने तो पार्टी की ओर से भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं आरसीपी सिंह के वापस आने के बाद तैयारियों को गति मिलने का अनुमान लगाया गया है। तेज प्रताप यादव का संस्कृत श्लोक पढ़ते हुए टिकटॉक वीडियो कर रहा है ट्रेंड। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने नए अवतार के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं बीते दिन एक बार फिर से उन्हें भगवान कृष्ण के रूप में देखा गया है, जिसमें वह अपने माथे पर मुकुट लगाए हुए हैं और उस पर मोर पंख लगाए हुए हैं। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने अपने इस नए अवतार में टिकटॉक वीडियो बनाया है, जिसमें वह लगातार संस्कृत का एक श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य पर लिपसिंग करते नजर आ रहे हैं, जिसको बहुत ही कम समय में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। वहीं 63,000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर लिया है। कांग्रेस ने राजद के सामने सीट शेयरिंग के लिए दिया नया फॉर्मूला। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया, लेकिन राजनीति जोर शोर से शुरू हो गई है। एनडीए की तरफ से वर्चुअल तैयारियां शुरू कर दी गई है, तो वहीं महागठबंधन में भी तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि पहले कांग्रेस ने अभी से ज्यादा सीटों की मांग राजद के सामने रखती है। कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि इस साल चुनाव में पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीट कांग्रेस को चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा है कि पिछली बार जदयू हमारे गठबंधन में थी, जो 102 सीटों पर लड़ रही थी। इस बार गठबंधन में जदयू नहीं है और 102 सीट का बंटवारा होना चाहिए, जिसका ज्यादा हिस्सा कांग्रेस को मिलना चाहिए। बिहार लौटे लोगों के प्रवासी के नाम से बुलाए जाने पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा। बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, वहीं राजनीति भी लगातार जोर शोर से देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी के तहत बिहार वापस लौटे मजदूरों और श्रमिकों को प्रवासी नहीं कहने की अपील की थी, जिसके बाद इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट की कॉपी रखकर खूब बयानबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जो प्रवासियों को प्रवासी नाम से बुलाने से मना कर रहे हैं, वह खुद भी अपने ट्वीट पर कितनी बार प्रवासी शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग करते हुए बिहार वापस लौटे प्रवासियों को किन किन क्षेत्रों में नौकरी दी जाए उसकी जानकारी और क्षेत्र में बनाई गई विस्तृत योजना का ब्यौरा देने की भी मांग की है। जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव से बहस करने के लिए है तैयार। जैसे जैसे चुनाव की तारीख सामने आ रही है, वैसे वैसे राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। विपक्षी दल का सत्तारूढ़ दल के सामने आना समझ आता है, मगर महागठबंधन दल के नेता ही एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, जिसके तहत तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव से आर पार करने के लिए साफ तौर पर कह दिया है कि तेजस्वी के बहकावे में कोई ना आए। खबरों की माने तो मांझी ने यह बातें राजद के SC/ST विधायकों से की है, क्योंकि 4 जून को उनके विरोध में राजद के सभी SC/ST विधायकों ने अलग होने का फैसला जारी किया था और इस साफ तौर पर दर्शा रहा था कि ऐसे SC/ST के बीच भ्रम का माहौल पैदा किया गया है। बिहार सरकार ने रोजगार के लिए 10,000 अनुदान देने का जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की जिद ठान ली है। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है कि कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अब मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी से रोजगार सृजन योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत कुशल श्रमिक समूह को भवन और कार्यशील पूंजी के लिए राज्य सरकार 10 लाख तक की राशि उपलब्ध कराएगी, जिसमें हर समूह में 10 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। यह वो लोग होंगे जो एक ही तरह के उत्पादन या दूसरे काम से जुड़े होंगे, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की स्वीकृति, संचालन और पर्यवेक्षण के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति को जिम्मेदारी सौंप दी है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे जर्दालू आम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की तरफ से भागलपुर के जर्दालू आम को भेजा जाएगा। हर साल की भांति इस साल भी अतिथियों को जर्दालू आम उपहार स्वरूप भेजने की तैयारी का निर्देश मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ने जिलाधिकारियों को भेज दिया है। इतना ही नहीं, आम भेजने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। खबरों की माने तो 8 जून को 1,000 पैकेट आम दिल्ली से बिहार भवन भेजा जाएगा, वहीं से इसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को स्वागत स्वरूप भेंट किया जाएगा। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट के टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुए विराट कोहली। लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हाल ही में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची जारी की गई थी, जिसमें टॉप 10 सूची में एकमात्र क्रिकेटर को शामिल किया गया है, जो कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली है। जारी किए गए सूची में विराट कोहली 6ठे स्थान पर है। बंद के दौरान अपने स्पॉन्सर्ड पोस्ट के जरिए कोहली ने प्रति पोस्ट 1,26,431 पौंड यानी कि करीब 1.2 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं सूची में सबसे पहले स्थान पर पुर्तगाली सुपरस्टार रोनाल्डो हैं। रोनाल्डो को अपने पोस्ट के माध्यम से 1.8 मिलियन पाउंड की अनुमानित कमाई हुई है।
रामकृपाल यादव पहुंचे सम्प हाउस का निरीक्षण करने। अपने वादे के अनुसार रामकृपाल यादव बीते दिन सम्प हाउस का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिसके तहत पाटलिपुत्र सांसद ने बीते दिन पटना के सम्प हाउस और नालों का निरीक्षण किया। खबरों के मारे तो रामकृपाल यादव जगनपुरा अस्थायी सम्प हाउस और उसके आसपास के इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पटना में मानसून ब्रेक हो चुका है, जिसके बाद एक बार फिर से पटना के डूबने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अधिकारियों ने ठीक से काम नहीं किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सौरभ शुक्ला, नेहा शर्मा, प्रेम रितंभरा, राजकुमार, पवन कुमार, अभय कुमार, प्रकाश कुमार, प्रज्ञा कुमारी, प्रहलाद कुमार, रंजना कुमारी, अभिषेक सिंह, मोनू कुमार, सोनू यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में आए प्रवासियों का आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम पर कितना असर देखने को मिल सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।